देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका अपना मेज़बान सिकंदर खाकान। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद इंसानियत की टांगें लरस जाएंगी। जी हाँ नाज़रीन, मेरे साथ आज मौजूद है शमा कॉलोनी की रिहायशी एक ऐसी फैमिली जिनके 12 साल बच्चे को उस वक्त ज़्यादती का निशाना बना दिया गया जब वो घर से सोदा सलफ लेने की गर्ज़ से निकला था। जी हाँ नाज़रीन, दो दरिंदा सिफ्त लोगों ने, जिनमें एक का नाम रिजवान और एक का नाम आसिफ है, इन लोगों ने इस बच्चे को वरगलाया और एक नामालूम जगह पर ले गए और इस बच्चे को दरिंदगी का निशाना बनाया। नाज़रीन, इस सारी स्टोरी पे बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कानूनदार मलिक फ़हीम खोखर साहब, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ जो फैमिली मौजूद हैं फ़ियाज़ हुसैन साहब, इनसे जानते हैं कि ये सारा वकूआ किस तरह से पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस बच्चे की उम्र कितनी है और कब ये वाकया पेश आया और किस तरह से ये सारा मामला हुआ? ये बच्चे की 13 साल उम्र है। ये बच्चा घर से चीज़ लेने निकला तो इसे दो आदमी ने ना उठा कर ले गए हैं, और रिजवान और दूसरे का नाम है वो आसिफ। ये दोनों लड़के, ये भाई को ना बेटे मेरे को उठा कर ले गए हैं और इसके साथ ना कोई गलत काम किए हैं। तो फिर इसे ना दुखाया, बोला कि तूने किसी को बताया तो मैंने तुमको भी मार देना और तुम्हारे माँ बाप को भी। मार देना है दीदी आला साहब, हमें इंसाफ चाहिए आपसे। आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ ये इंसाफ नहीं हो रहा। और इन्होंने साथ ये भी कहा कि आपका मेडिकल नहीं ठीक आया। तो देखें, मेडिकल बच्चे को जख्म हो गए हैं तो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं आपका कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, तू तो ऐसे ही पर्चा करा दिया। नाज़रीन, ये बहुत ज़्यादा अलमनाक बात है कि ये इस मुल्क में या इस कानून के इदारों में रहने वाले लोगों को इंसाफ इसलिए नहीं मिलता चूँकि वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते, वो गरीब लोग हैं। ये इंतहाई दोहरा मयार है। अच्छा, मुझे बताइए जब ये वाकया पेश आया तो आपने कितनी देर के बाद FIR के लिए गए, तो उन लोगों ने आपकी बात सुनी, FIR दर्ज की? वो कह रहे थे पहले इसका मेडिकल को होगा, ऐसे होगा, फिर आपकी बात सुनी जाएगी। तो उन्होंने फिर मेरे साथ कोई आदमी को भेजा, पुलिस वाले को, वो कह रहा था जा भी इसके साथ पहले मेडिकल करा कर ला, फिर इसकी बात सुनते हैं। तो उन लोगों का सलूक आपके साथ ठीक था, थाने वालों का? नहीं, वो भी ऐसे बहुत बदतमीजी से बोलते थे। वो कह रहे थे कि यार किधर हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं हमने बताया हमें क्या पता कैसे हुआ, बच्चे को उठा कर ले गए हैं, हम तो आपके पास आए हैं ये रिपोर्ट खाने के लिए, तो ये आपके पास बच्चा है इससे पूछ लें ये बच्चा क्या कह रहा है। तो मुझे बताइए कि आपको बच्चा कहाँ से मिला, आपने जब रिसर्च वर्क किया या ढूंढा या किस तरह से पता चला? ये बच्चा मुझे कुछ 6-7 घंटे के बाद से मिला, और वो भी मैं इससे ऐसे ढूंढ रहा जैसे कुछ चीज़ पागलों की तरह किसी को ढूंढ रहा। औलाद का दुख नाज़रीन यकीनन बहुत बड़ा दुख है, और इस तरह की अगर किसी के साथ वाकया हो जाए तो माँ बाप का दिल फट जाता है नाज़रीन। तो मेरे साथ इस वक्त तो मासूम बच्चा भी मौजूद है, अली हसन इसका नाम है, इससे बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस तरह से इस मासूम बच्चे ने सारी दरिंदगी को फेस किया। जी हसन, ये बताइए कि आप क्या लेने के लिए निकले थे और किस तरह से उन लोगों ने आपसे क्या बात की और किस तरह से आपको लेकर गए? मैं चीज़ लेने गया था और मुझे ना उन लोगों ने पकड़ा और ना मैं मुंह पर पट्टी बांध दिया ले गया। क्या बात की थी उन्होंने, कोई आपसे बातचीत, आपको जानने वाले थे या पहली बार देखा था आपने उन लोगों को? हाँ जी, पहली बार देखा। तो अगर वो अब आपके सामने आए आप दोनों को जान पहचान लेंगे दोनों लोगों? हाँ जी। अच्छा, मुझे फ़ियाज़ साहब ये बताइए कि अब वो जो दोनों बंदे हैं अभी पकड़े जा चुके हैं या कहाँ तक कानूनी कार्रवाई पुलिस वालों ने अभी तक क्या आपको दिलासा दिया या कहाँ तक पहुँची आपकी बात? यही बताया कि यार वो आपका एक मुजरिम हमने जेल में पहुँचा दिया है। अच्छा, तो अब बाकी तो कार्रवाई जहाँ सी है वो अदालत करेगी जहाँ वकील करेंगे। मैं इतने जोका नहीं हूँ कि मैं किसी को ये बात बता दूँ कि यार मेरे साथ ये। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से बात है नाज़रीन,
ये वो दुखी फैमिली मेरे साथ मौजूद है जिनकी दादरसी उस तरह से नहीं की जा रही। इनके मासूम बच्चे के साथ ये बहुत ज़्यादा अलमनाक किस्म का वाकया पेश आया। मेरे साथ मलिक फ़हीम खोखर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कानूनी पेचीदगियाँ इस तरह के केस के बारे में क्या कहती हैं और उन लोगों के साथ किस तरह का एहतसाब होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मलिक फ़हीम खोखर साहब, ये बताइए कि ये जो केस आपके सामने आया है, मासूम बच्चा है, बहुत ज़्यादा बहुत रो रही है फैमिली, काफ़ी ज़्यादा दर्द में है, इनका रोना इस चीज़ का सबूत है कि इनके साथ तआवुन उस तरह से नहीं किया जा रहा, तो आप क्या समझते हैं कि इनके साथ क्या इंसाफ किया जाएगा, पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाएगा, या वो लोग हैं उनके बारे में उन्हें किस तरह से इबरत का निशान बनाया जाए। देखें जी, मैंने इनका केस काफ़ी हद तक जो है ना आज ही मैंने उसको देखा है, पढ़ा भी है, स्टडी किया है, तो जब तक मैंने देखा ना कि पुलिस ने मिली भगत के साथ इनका जो ना मेडिकल है उसकी रिपोर्ट भी ठीक से नहीं बनवाई, और उसके बाद जो पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ़्तार किया है, जो दूसरा इसमें नॉमिनेटेड मुलजिम है, उसको तो पुलिस अभी तक गिरफ़्तार ही नहीं कर सकी। ये हमारे मुल्क का ना एक बड़ा वाजिया सा अलमिया है कि हमारे मुल्क में जो कानून है ना वो भी गरीब के लिए अलहदा सा है और अमीर के लिए अलहदा कानून है। यहाँ पे गरीब बेचारा जलील ख्वार हो जाता है थानों में जाकर, लेकिन उसकी नहीं सुनी जाती, और अगर कोई अमीर बंदा थाने चला जाए तो SHO साहब, DSP साहब, SP साहब, यहाँ तक कि IG साहब भी फ़ौरन से पहले उसकी रिपोर्ट तलब कर लेते हैं। देखें, ये छोटा बच्चा 12-13 साल, क्या उम्र है इसकी, 376 का ऑफेंस लगा है इसके साथ, इसको अगवा किया था, 365 भी लगनी चाहिए थी, अगवा करने पर 365 ताज़ीरातें पाकिस्तान लगती है, और अगर बच्चे को आप ज़्यादती करते हैं तो उसमें 376 ताज़ीरातें पाकिस्तान लगती है। पुलिस ने तो पहले जो गलत हरकत की है, FIR जो बनती थी वो नहीं दी, वो ठीक तरह से नहीं दी, हाँ ये वो टेक्निकली ना, तो उन्होंने वो मेडिकल रिपोर्ट इनकी ठीक से बनवाई है, मेडिकल रिपोर्ट को अब इनकी को चैलेंज कर लिया गया है, इंशाल्लाह ताला मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे दी है, इंशाल्लाह ताला दोबारा डॉक्टर्स का बेंच बैठेगा, इंशाल्लाह ताला इस बच्चे की दोबारा मेडिकल रिपोर्ट इंशाल्लाह ताला होगी, उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला जो भी उस रिपोर्ट में आएगा इंशाल्लाह ताला उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला उन मुलजिमों को सजा भी दिलवाएंगे इंशाल्लाह ताला, और एक मिसाल भी बनाएंगे ताकि आइंदा से कोई भी इस तरह की हरकत करके, इस तरह छोटा बच्चा बेचारे के साथ ज्यादती करके, ये गलत है। यकीन करें, हमारे इसमें आला इदारों को भी इसमें नोटिस लेना चाहिए, वजीर आला साहब को भी नोटिस लेना चाहिए कि जो बंदा अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी उसको फौरन से पहले गिरफ्तार किया जाए, और इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके जो सजा बनती है उनको फौरन से पहले दी जाए। बहुत शुक्रिया। अच्छा फ़हीम खोखर साहब, ये बताइए कि ये जो FIR दर्ज करवाई गई है, लेकिन इसमें मुहर्रर जिम्मेदार है सबसे पहले जो? देखिए, इसमें SHO जिम्मेदार होता है। SHO के बयान पे FIR होती है। अगर आप किसी पास जाते हैं, आप मुदई हैं किसी FIR के साथ, आप मजलूम हैं, आपके साथ ज्यादती हुई है, आप किसी थाने में जाकर कहते हैं जनाब फलां बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की है, SHO उसके बाद अपना ऑर्डर करता है कि जनाब इस पर आप मुकदमा दर्ज कर दें या इसको इन्वेस्टिगेट करें। अगर उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो ही उन्होंने उस पर FIR दी है, अगर ये झूठे होते तो FIR ना होती। अब अगर इन्होंने FIR दे दी है तो इस FIR में 365 भी लगाना चाहिए थी, अगवा की दफा भी नहीं, अभी भी 376 एक मजबूत ऑफेंस है, इसकी 25 साल सजा है और इसका जुर्माना भी है और उम्र कैद भी है इस पर, और एक छोटे बच्चे के साथ ज्यादती की गई है, ये मैं कहता हूँ सजा से हटकर भी ये एक बहुत बड़ी दरिंदगी है, एक दरिंदगी है, ये इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है उन दोनों अशख़ास के लिए जिन लोगों ने ये इस तरह की बेगैरतों वाली हरकत करके एक छोटे से बच्चे को शिकार बनाकर उसके साथ ज्यादती की है। गरीब लोग हैं इन बेचारों का, लेकिन इंशाल्लाह ताला इनके केस को इंशाल्लाह ताला आपसे मैं देखना शुरू करने लगा हूँ इंशाल्लाह ताला, और इंशाल्लाह मेरा अल्लाह चाहे तो इनको पूरा पूरा इंसाफ भी दिलवाएंगे, और इंशाल्लाह ताला आला इदारों से मैं ये अपील करता हूँ, वजीर आला साहब से अपील करता हूँ, IG साहब से मैं ये अपील करता हूँ कि जो भी मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका और उन्हें बार बार थ्रेट कर रहा है, कॉल करके कह रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा, उसको भी गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद दोनों को कानून के कटहरे में लाके जो सजा बनती है एक मिसाली सजा दी जाए ताकि आइंदा से कोई भी शख्स ऐसे उठकर इस तरह की किसी गरीब बंदे के साथ ज्यादती ना करे। बहुत प्यारी बात की है नाज़रीन। यकीनन इस तरह के जो दरिंदा सिर्फ लोग हैं उन्हें जब तक इबरत का निशान नहीं बनाया जाएगा वो लोग इस तरह की हरकत करते रहेंगे, और सबसे ज्यादा दुख की बात ये सामने आ रही है कि उन लोगों ने यकीनन पुलिस वालों को भी साथ मिलाया फ़हीम खोखर साहब के, इस तरह की जो FIR इन पर डायरेक्टली बिल्कुल उस तरह से फेयर नहीं दर्ज की गई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए जी, अक्सर औकात हमारे मुआशरे में ऐसे ही होता है कि जो पार्टी थोड़ा सा जोर रखती है या पैसे वाली होती है वो पुलिस के साथ जाके सेटलमेंट कर लेती है,
वाकई की जो भी तक मेरे तक इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है ऐसे ही उनकी सेटलमेंट हुई है पुलिस के साथ, जिसकी वजह से उनका मेडिकल भी ठीक नहीं आया। मुझे पर्चे के मदई बता रहे हैं कि जो इस पर्चे में एक मुलजिम है उसका सगा चाचा उसी थाने में ASI है, यानी कि पंजाब पुलिस उसी थाने में मुलजिमों के साथ अगर उसका सगा चाचा है तो उसने मेडिकल रिपोर्ट उसकी क्या अच्छी ठीक से आनी है। लेकिन इंसाफ लेने के लिए पहले तो बात यह है कि आपके पास जो पाकिस्तान में इस टाइम कानून मुझे नजर आता है, हम रोजमर्रा जिंदगी में ऐसे मामला देखते हैं कि लोग जो बेचारे पुलिस स्टेशन जाते हैं ना, तो अगर उनकी जेब में 10,000 रुपया ना, जो बेचारे वापस निकलते हैं तो शायद 2-3 हज़ार रुपया रह जाता है, वो आप उन्हें बांटना पड़ता है। बहुत महंगा कानून, यकीन करें इतना महंगा हो चुका है कि अल्लाह ताला माफ करे, महंगाई के साथ साथ ये इतना ये जालिम हो चुके हैं कि इन किसी को तरस आने वाली बात जो है ना वो ये बोल चुके हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह ताला आपके प्रोग्राम के तवज्जो से इंशाल्लाह ताला इन्हें इंसाफ ही मिलेगा। बाकी जो बंदे को गिरफ्तार करना है, जो दूसरा मुलजिम भागा हुआ है, वो पुलिस की जिम्मेदारी है, इदारे की जिम्मेदारी है उसको गिरफ्तार करे। तो पुलिस ने अभी तक कोई रेड नहीं की, इंशाल्लाह ताला पुलिस से रेड भी करवाएंगे, उस मुलजिम को गिरफ्तार भी करवाएंगे। वज़ीर आला साहब से भी मैं ये अपील करता हूँ कि आप इसका नोटिस लें खुद, और ये छोटा बच्चा है, ये भी किसी का बेटा है, अगर गरीब है तो क्या इनके कोई भी सुनने वाला नहीं है। नाज़रीन बिल्कुल ख़त्म कर दिया उन जालिम लोगों ने, ये बिल्कुल मासूम बच्चा है, इस फैमिली इस बाप पे इस वक्त क्या गुजर रही है वो हम अपने अल्फाजों से इसका मदावा हरगिज़ नहीं कर सकते। इसका मदावा तभी होगा जब इन लोगों को हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसाफ दिलाएँगे, और इसके बाद इसका फ़ायदा ये होगा आने वाले लोगों को इबरत मिलेगी अगर ये इन मुजरिमों को इबरत का निशाना बनाते हैं। अच्छा फहीम खोखर साहब मुझे बताइए, इनका कहना है कि जो मेडिकल रिपोर्ट है वो ठीक से नहीं की गई, तो आप क्या समझते हैं? मुझे ऐसा समझ आता है कि ज़्यादती करने वाले से भी बड़ा मुजरिम वो होता है जो मेडिकल रिपोर्ट गलत बनाता है, तो आप क्या कहते हैं अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट गलत बनाता है तो उसके खिलाफ क्या कानूनी तौर पे कार्रवाई हो सकती है? ये जी हमारे कानून में बड़े वाज़ेह तौर पे ये बात बताई गई है कि अगर कोई शख्स मेडिकल रिपोर्ट गलत बनाता है या मेडिकल रिपोर्ट में कोई रद्दो बदल करता है रिश्वत लेकर, तो उस मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले ऑफिसर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी, और उस कार्रवाई में उस शख्स को 3 साल कैद और जुर्माने की सज़ा भी हो सकती है जो शख्स जानबूझकर मेडिकल में रद्दोबदल करेगा या उसको गलत बनाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हमने मेडिकल चैलेंज किया है, अब दोबारा डॉक्टर्स का बेंच बैठेगा, और अगर मेडिकल रिपोर्ट इस दफ़ा हमारे हक में आई तो इसका मतलब है जो पिछली मेडिकल रिपोर्ट बनी थी वो गलत थी, वो जानबूझ के मिली भगत के साथ उन्होंने बनाई थी, तो इंशाल्लाह ताला फिर उस मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ भी इंशाल्लाह ताला हम कानूनी कार्रवाई जो होगी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला उसको मेडिकल रिपोर्ट गलत बनवाने की इंशाल्लाह ताला हम सज़ा भी ज़रूर दिलवाएंगे। बहुत अच्छी बात है नाज़रीन, हम भी दुआगो हैं कि अल्लाह पाक आपको इस नेक मकसद में कामयाब करे। नाज़रीन यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं फ़ियाज़ साहब, इनसे जानते हैं कि फ़ियाज़ साहब मुझे बताइए आपके साथ जो भी ये जुल्म और ज़्यादती हुई है, यकीनन हमारे आला हुकाम भी आपकी बात सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? आप वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से अगर कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खुल के बता सकते हैं। आप बिल्कुल तसल्ली रखें, आप खुल के बताइए, यकीनन आपकी बात सुनी जाएगी। हम उम्मीद करते हैं नाज़रीन के इन लोगों की जो बात है वो आला हुकाम तक पहुँचेगी और इन्हें इंसाफ मिलेगा। यहाँ पे इन बच्चे की वालदा मौजूद हैं, मुझे नहीं मालूम कि ये किस दिल के साथ बात करेंगे, मैं चाहूँगा कि ये भी कुछ थोड़ी बात करें, कुछ अपनी फरियाद जो है वो आला हुकाम तक पहुँचा दें। मैं भी यही चाहती हूँ वज़ीर आला से कि मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए, बस और कुछ नहीं। जी तो नाज़रीन आपने जाना कि आज की स्टोरी में ये एक फैमिली इतनी दर्दनाक हालत में इतने कुर्ब में हमारे पास मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं मलिक फहीम खोखर साहब इनका केस देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह अल्लाह पाक इन्हें अपने इस केस में भी सुरखरू करेगा और वो दरिंदा सिर्फ जो मुजरिम हैं वो सलाखों के पीछे कानून के कटहरे में नज़र आएंगे। नाज़रीन अपने मेज़बान सिकंदर खाकान को आज के लिए इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी और मौजू के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब
गल्फ पाकिस्तान।